मुझे YouTube शॉर्ट्स देखने का बहुत ही मन था, तो फिर मैं चला गया अपने पीसी पे शॉर्ट्स देखने। YouTube शॉर्ट्स देखते देखते बहुत सारे जादू के शॉर्ट्स आने लगे, न जाने आज ही ऐसा क्यों हो रहा था। फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया जादू के शॉर्ट्स आ क्यों रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना जादू सीखा जाए, तो फिर मैंने सर्च किया इंडिया गॉट टैलेंट जादू। फिर मुझे जादूगर एक बार बार चीज कह रहा था अंतर मंतर जंतर मंतर, तो मैंने सोचा जंतर मंतर क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं चला गया सीधे जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर के पास टिकट कटवाई 25 रुपए की, और मैं सीधे टिकट लिया और चला गया गार्ड साहब के पास। गार्ड साहब के पास पहुंचा और गार्ड साहब ने टिकट फाड़ दी और हमें एंट्री करने का मौका दिया। हम सीधे चले गए टिकट को लेते हुए, और देखा तो बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था हमें। हमने व्यू को बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया, और इधर देखा तो भी सुंदर था और इधर देखा तो भी सुंदर था। हमें एक छोटा सा गार्डन दिखा जो बहुत ही प्यारा था, फूलों से भरा था। इसके बाद ये छोटा सा बगीचा भी था, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे तो बहुत ही कुछ देखने को मिल रहा था। ये है हमारा बहुत ही प्यारा जंतर मंतर, जो मैंने बुक में ही देखा था, आज मैं हकीकत देख रहा हूँ। इसका हर जगह से लुक इतना औसम है कि क्या बताया जाए। जंतर मंतर की एक कहानी बताना चाहता हूँ। जिस जंतर मंतर में मैं आया हूँ, ये है सीपी के बीचों बीच जंतर मंतर। दिल्ली का जंतर मंतर एक प्राचीन धूप से समय बताने वाला जगह था, जो कि महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में इसकी निर्माण की थी। और इसी जंतर मंतर के तरह और भी चार जगह जंतर मंतर बनवाए गए थे, जो कि जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया। तो गाइस आज बहुत ही धूप है यार। और आप लोग कभी भी कनॉट प्लेस में आएंगे तो आपको आसपास बहुत बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, जो कि जंतर मंतर पहले जो अच्छा काम करता था, सही टाइम बताता था और सही ग्रहों का पता करता था, अब वो गलत करता है। क्योंकि इन बिल्डिंगों के कारण आज जंतर मंतर पे सूरज की किरणें ना पड़ने के कारण यह टाइम बहुत ही गलत बताता है। आप लोगों को कभी भी सही टाइम का जानकारी चाहिए तो जयपुर में भी एक जंतर मंतर है, आप लोग उसे घूमने जाइए और वहाँ पर सही टाइम एंड सही ग्रहों का पता चलता है, क्योंकि वहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है जो कि सूरज की किरणों को रोक सके। हम इस जंतर मंतर को घूमते घूमते हमें एक गेट मिला, जो भी इस गेट के नीचे एक शायद बेसमेंट था कि क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हम बहुत ही कोशिश कर रहे थे इसे देखने के लिए, लेकिन ये सही से हमें दिखा नहीं। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो जंतर मंतर में अभी दबे हुए हैं, या हम कह सकते हैं अभी हमें पता भी नहीं है, जो कि 1724 में इसे निर्माण किया गया होगा, इसके नीचे भी कोई रह रहा होगा। आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो अभी और हम सीन दिखाते हैं आपको बहुत ही अच्छा अच्छा। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जब 1724 में इसका निर्माण किया था, तो ये जंतर मंतर पूरा सही टाइम एंड सही ग्रहों का बारे में बताता था। बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन दिया गया है, जो आप यही देख सकते हैं। इससे हम टाइम का पता लगाते हैं सूरज की किरणों के द्वारा। ये बहुत सारे खम्भे हैं जो कि सूरज की जब किरणें पड़ती थी हमें टाइम एग्जैक्ट बताते थे कि वो टाइम अभी क्या हो रहा है।
बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए था। बहुत सारे बेसमेंट्स देखे थे हमने जो अंडरग्राउंड्स के तरफ थे, लेकिन वहाँ पर हमारी नो एंट्री थी, कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता था। गाइज आप देख सकते हैं जंतर मंतर मेरे पीछे ही है। आई होप गाइज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो। आपने देखा अभी कि जंतर मंतर के आगे का मैं ज़्यादा कुछ दिखा रहा हूँ, अब मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ कैसा है। तो ये जंतर मंतर का पीछे का तो कैसा लग रहा है गाइज आपको घूम के? ये जंतर मंतर बहुत ही प्यारा है यार। यहाँ पर तो एक वॉच भी है जो सूरज की किरणों से पता चल जाता है कि घड़ी का समय कितना हो रहा है। हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमने में कुछ अलग ही मजा है। जंतर मंतर आप लोग देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। और ये ब्लॉग हम यहीं कम्प्लीट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और सपोर्ट दीजिए भाई को। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बने रहिए और नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय करते हैं, चलते हैं।